आप देख रहे हैं हादिस न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ा नौरीन मेमन। खबर शामिल करते हैं न्यू सईदाबाद से। नुमाइंदा खुसूसी हादिस न्यूज नवीद अहमद भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। न्यू सईदाबाद में सकाफती मंच कचहरी का इनेकाद। न्यू सईदाबाद के नवाही गांव बी डी काका में सैयद गजनफर शाह दरगाह के अहाते में हादिस न्यूज ने सैयद शाह जमान शाह के तआवुन से सकाफती दिन मनाया गया, जिसमें सकाफती रंगों को उजागर किया गया था। महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिसमें लोग झूमते रहे, जबकि सिंध की तहजीब और तमद्दुन को उजागर किया गया। तकरीब में सकाफती रंग, जिनमें अजरक टोपी के माहिर कारीगरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने काम और हुनर के बारे में मालूमात देते कहा कि सिंधी टोपी सारी दुनिया में अपने मुनफरिद काम की वजह से मशहूर है। ये 7 मरहलों में बनती है। शीशा, रेशम, धागा, कपड़ा और बुकरम से 40 दिन में बनने वाली टोपी 15,000 से 20,000 तक फरोख्त की जाती है। अजरक के रंग दुनिया भर में सिंध की पहचान है। 7 सुरों, शायरी और सिंध की तहजीब के बारे में भी वक्फे वक्फे से मालूमात दी जाती रही। महफिल में मखदूम मोहम्मद जमा तालिबुल मौला एजाज शाह राशिदी की शायरी ने खूब दाद वसूल की। महफिल में आए हुए मेहमान खास, जिनमें नवीद मेमन, अदील बोहरा, वकास सईद, अब्दुल मालिक, जबकि फनकारों में महबूब अली शाह, सैयद अब्बास अली, मिंटार फकीर, अमजद फकीर, मगनहार गुलाम फकीर मगनहार, नियाज अली, नवाज अली, अब्दुल रजाक, काका असलम फौजी, जबकि सहाफियों में चाचा इम्तियाज मेमन, रियाज केरियू, नवीद भट्टी और वडेरू सिकंदर सहतू, मिट्टू खोसा, फयाज केरियू, लियाकत दहरी और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की।